अब परमाणुओं पर आज के विचार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में प्रोफेसर माइकल हॉर्नबॉर्न कोशिश कर रहे हैं कि बोरोन की सबसे पतली संभावित परत, जिसे बोरीफिन कहा जाता है, ये वादा करता है कि आयामी ट्रांजिस्टर बनाने में मदद करेगा। ये मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी उपयोग करता है। दोस्तों, इस काम के लिए अभी तक परिणाम बहुत कम है इस फील्ड के हिसाब से। इस पे और खोज करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, या बहुत जांचें करनी पड़ती है, या फिर नई नई तकनीकियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए दायरा बहुत कम पड़ रहा है, इसके लिए उन्हें और ज्यादा जगह की जरूरत है। ये लोग बोरोजिन गैस और एक इरिडियम सबस्ट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बोराजिन, बोरॉन और नाइट्रोजन परमाणु में मिलता है। उन्हें 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान में तपाया जाता है, जिससे बोरॉन इरिडियम में जाता है। इसी इरिडियम से 1/4 भाग तक बोरॉन ज्यादा खिंचता और स्पंज जैसा बन जाता है। जब सिस्टम ठंडा होता है तो धीरे धीरे तो टैप बोरोफिन एक परमाणु की तरह बोरॉन की लिक्विड से एक सॉलिड में बदलता है। जो घुल नहीं सकता वो सतह पर बनता है, इरिडियम क्रिस्टल की। इस प्रक्रिया के दौरान वो आगे नहीं बढ़ता है सतह से ज्यादा जो क्रिस्टल के नीचे होती है, पर वो उसे धक्का देता है चारों दिशाओं में जहां तक संभव है। दोस्तों, वैज्ञानिक चीन में एक नए तरह के माइक्रोस्कोप को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये काम नीदरलैंड की एक टीम ने कर दिखाया। उस आविष्कार का नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। आधिकारिक तौर पर इसे इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल फेज कॉन्ट्रास्ट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ये हाई लेवल तस्वीर निकालती है जो ज्यादा साफ और डिटेल वाली होती है। इससे एटम ज्यादा बेहतर तरीके से दिख जाते हैं, इससे ज्यादा बेहतर खोज की जा पाती तो उसे सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी मिलती है। इस माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से ज्यादा बेहतर परिणाम सामने आए, बाकी के बजाय इसे ज्यादा बेहतर तरीके से और आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसे वेंडर वॉल इरेक्शन का नाम दिया गया है। इस वेंडर वॉल इरेक्शन को नापने के लिए वैज्ञानिक जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है ZSM-5। ये एक प्रकार का जियोलाइट है जिसके आसपास ऑक्सीजन के कण और सिलिकॉन के कण पाए जाते हैं, जो जाली के शीट्स पर मिलते हैं। सारी शीट्स को एक साथ मिलाकर इकट्ठा करके एक साथ रखा जाता है। ये टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। इसके इस्तेमाल से चैनल बनाई जाती है, फिर वो लोग इसे सेंट्रीफ्यूजन के जरिए पैराजाइलिन मॉलिक्यूल्स को उस चैनल में डालते हैं और कंपास को उस मटेरियल की तरफ घुमाते हैं। उन्होंने पाया कि इस तरीके के इस्तेमाल करने से मॉलिक्यूल्स में सरक पाई गई, जो कि संभावित हाई ऑक्सीजन और सिलिकॉन परमाणु के साथ दिखता है, पर इन दोनों में फर्क कम दिखता है। अगर उनकी तुलना हम वेंडर वॉल इरेक्शन से करें, वो इस फर्क को नए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में रख के उसकी तस्वीरें निकाल के देख रहे हैं कि पहले में और अब में कितना फर्क है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं, ये कैसे खोजना है, ये सब देख रहे हैं।